नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन, मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ में स्वागत है आप सभी का। शुरू करते खबरों का सिलसिला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। मीटिंग में विभागों के प्रमुखों के साथ SES और PS भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम शिवराज ने विभाग के प्रमुखों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रशासनिक कसावट में जुट गए हैं। सीएम शिवराज ने SV कलेक्टर सहित विभागों के ACS, PS और विभागों के प्रमुखों की बैठक ली। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस मीटिंग में सीएम ने अफसरों से लॉ एंड ऑर्डर, बिजली संकट, सूखा और खेती के हालात की जानकारी ली। किसानों का कल्याण, सभी कलेक्टर, कमिश्नर से संबंधित साथी इस पर ध्यान देंगे कि फसलों की स्थिति के बारे में लगातार। मीटिंग में सीएम शिवराज सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि पिछले दिनों में कुछ शहरों में अपराध बढ़े हैं, यह चिंता का विषय है, इसी कारण बैठक बुलानी पड़ी है। मैं DGP को निर्देश देता हूं कि एक ऐसा मॉडल डेवलप करें जिससे सतत निगरानी की जा सके। साथ ही उन्होंने अफसरों को कृषि कार्य के लिए 10 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। DGP भी नियमित रूप से आप सिस्टम बना लें कि किसी भी जिले में कानून और व्यवस्था को ढिलाई। इस दौरान सीएम शिवराज ने अफसरों को PM मोदी के सागर दौरे की तैयारियों को लेकर भी निर्देश दिए। BJP ग्वालियर श्योपुर ब्रॉडगेज और श्योपुर कोटा रेल लाइन के सहारे पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। BJP को उम्मीद है कि इसके सहारे उसे ग्वालियर चंबल की विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर श्योपुर रेलवे ट्रैक को नैरो गेज से ब्रॉड गेज में तब्दील किया जा रहा है। इसमें से करीब 30 किलोमीटर ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है। इस ट्रैक पर ट्रायल रन भी हो चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जल्द ही इस ट्रैक पर ट्रेन चलाने की बात कही है। वहीं BJP की ग्वालियर से सुमावली तक ट्रेन चलाने की कवायद पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीते 14 साल में BJP ने ग्वालियर से श्योपुर तक ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक नहीं बनाई है। ग्वालियर से सुमावली तक ट्रेन चलाने की बात भी सिर्फ चुनावी हथकंडा है। हम तो कहते हैं श्योपुर से कोटा डाल रहे, उनसे कहा श्योपुर से कश्मीर डालेंगे तो सब जगह लाभ ही लाभ मिलता जाएगा। चुनाव के जस्ट पहले ऐसी घोषणाएं करने की महत्ता नहीं रहती। ग्वालियर चंबल अंचल की 34 विधानसभा सीटों में से 7 सीटें ग्वालियर श्योपुर ट्रैक से जुड़ती हैं। लिहाजा BJP इस कवायद का सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। विदिशा में जर्जर स्कूल भवन को ढहाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। मलबे की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट। विदिशा में एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल जर्जर स्कूल भवन को ढहाया जा रहा था, इसी दौरान स्कूल की छत वहां काम कर रहे लोगों पर आ गिरी। हादसे में उप सरपंच पति सहित 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 5,000 रुपए की फौरी सहायता भी दी जाएगी। मामला है, पेशेंट आए हैं, 3 पेशेंट आए थे, 2 पेशेंट की मृत्यु हो चुकी है, एक पेशेंट ऑब्जर्वेशन में है, उसका इलाज चल रहा है। 2 लोग काम कर रहे थे और एक आबिद भाई जो उप सरपंच के पति हैं, वो उनकी निगरानी में काम हो रहा था। अचानक छत नीचे गिर गई, जो उप सरपंच पति हैं इनका दुखद निधन हो गया। घटना जिले के आदमपुर गांव की है, जहां पर स्कूल का एक पुराना जर्जर भवन मौजूद था। प्रशासन की टीम इसे ढहाने का काम कर रही थी। उप सरपंच पति भी मौके पर मौजूद थे, तभी स्कूल की छत लोगों पर आ गिरी, जिससे यह हादसा हुआ। मुरैना में किसानों ने बिजली विभाग के महाप्रबंधक पर बदसलूकी और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। किसानों का आरोप है कि वह बिजली कटौती और ट्रांसफार्मर की शिकायत लेकर बिजली विभाग के महाप्रबंधक से मिलने के लिए पहुंचे थे, जहां पर महाप्रबंधक PK शर्मा ने उनसे बदसलूकी की। देखिए रिपोर्ट।
बहसबाजी का ये वीडियो मुरैना का है, जहां बिजली कटौती और ट्रांसफार्मर की शिकायत लेकर पहुंचे किसानों ने बिजली विभाग के महाप्रबंधक पी के शर्मा पर बदसलूकी और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि जब वो अपनी शिकायत लेकर महाप्रबंधक के पास पहुंचे, तो उन्होंने शिकायत का निपटारा करने की जगह उनसे ही बदसलूकी की। नाराज किसानों ने महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। बिजली की समस्या है, यहाँ पर शिकायत लेके आए तो हम लोगों से अभद्रता का व्यवहार किया। वहीं जब इस मामले में महाप्रबंधक पी के शर्मा से बात की गई, तो उनका क्या कहना था ये आप खुद ही सुन लीजिए। शासकीय कार्यालय में तो जोर से बोलने का अधिकार, अपनी अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, और अभद्रता किसी के द्वारा नहीं की गई, उनके द्वारा अभद्रता करने का प्रयास किया। बिजली विभाग के महाप्रबंधक की ओर से किसानों से की गई बदसलूकी के मामले ने जहां तूल पकड़ लिया है, वहीं इसे लेकर किसानों में खासा आक्रोश देखने को भी मिल रहा है। बैतूल में ग्रामीण बारगवाड़ी सरका डोल जलाशय के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे, जहां प्रदर्शन के बाद बांध निर्माण नहीं कराने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर बांध निर्माण होता है तो उन्हें कई मुसीबतों का यहां सामना करना पड़ेगा। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें बैतूल जिला मुख्यालय की है। ये ग्रामीण बांध निर्माण के विरोध में यहां पर पहुंचे हैं। बैतूल में प्रशासन दो नालों को मिलाकर एक डैम बना रहा है और ग्रामीण इसी डैम का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर डैम का निर्माण हुआ तो नाले के आसपास बसी बस्तियां डूब क्षेत्र में आकर उजड़ जाएंगी। हम लोग उस डैम को इसलिए रुकवाना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे को वहां से डैम बनाने के लिए कोई भी जमीन हमको वहां से नहीं देना है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और हमारे आदिवासी परिवार ऐसे है कि आज के कंडीशन में आधा एकड़ जमीन भी हम लोग नहीं ले सकते, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर डैम का निर्माण हुआ तो 300 हेक्टेयर जमीन इसके जद में आएगी, जिससे दर्जनों गांव के करीब 9000 लोग प्रभावित होंगे। अड़ुवाड़ी डैम नहीं बनना चाहिए तो नहीं बनना चाहिए, आदिवासी क्षेत्र बहुमूल्य क्षेत्र है वो। अपनी बात को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात की, जिस पर कलेक्टर ने उन्हें बिना उसकी सहमति के बांध निर्माण नहीं होने देने की बात कही। धार के सरदारपुर में बने चुनार डैम में लीकेज शुरू हो गया। डैम में लीकेज होने की वजह से प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और डैम की मरम्मत का काम शुरू किया गया। देखिए रिपोर्ट। कारम नदी पर बने कारम डैम के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि धार के सरदारपुर के चुनार डैम में लीकेज होने लगा है। इसके बाद से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। लीकेज की जानकारी मिलने पर विधायक और एसडीएम के साथ जिले के अधिकारी कर्मचारी आनंद फानन में मौके पर पहुंचे। तालाब की जो पाल है डैम, वहाँ स्लूस गेट पे कुछ दसाव हुआ था, स्थिति नियंत्रण में है। विधायक प्रताप ग्रेवाल ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डैम में लीकेज होने और मिट्टी धंसने की सूचना अधिकारियों को दी थी, लेकिन समय रहते कोई काम नहीं किया गया। कारम डैम के बाद में ये दूसरा उदाहरण है, कच्ची मुरम का एक भवर हो गया है, आज शासन प्रशासन लिपा पोती में लग गया है। अगर ये डैम फूटता है तो इससे करीब 20 गांव प्रभावित होंगे। फिलहाल प्रशासन की टीम बांध की मरम्मत में जुटी हुई है। प्रशासन ने किसी भी तरह के खतरे से इनकार किया है। स्वच्छता के बाद अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए एक नेक पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत जिले की 2 विधानसभा में स्वास्थ्य कर्मचारी घर घर जाकर लोगों के कुंडली बनाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों का इलाज भी किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। स्वच्छता में झंडे गाड़ने के बाद अब इंदौर को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अव्वल बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से होगी। इस दौरान विधानसभा 2 और 3 में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, बल्कि डॉक्टर, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ घर घर जाकर लोगों के हेल्थ का डेटा मोबाइल ऐप में दर्ज करेंगे। इसके बाद बीमार मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर उनका इलाज कराया जाएगा। इंदौर स्वच्छता में तो प्रथम है, पर हम स्वास्थ्य में भी इंदौर प्रथम हो, इसकी शुरुआत हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 और 3 के 5-5 वार्डों से करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
स्वास्थ्य दूत बनकर घर घर जाएंगे। पहले चरण में दोनों विधानसभाओं के पांच पांच वार्डो में इसकी शुरुआत होगी। विधानसभा क्रमांक 2 से बीजेपी के रमेश मिंदुला और विधानसभा क्रमांक 3 से कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय विधायक है। चुनाव के पहले शुरू की गई इस योजना को बीजेपी मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रही है। इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से, जहां आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पहले लिस्ट में 10 लोगों के नाम है। आप प्रदेश उपाध्यक्ष आईएस मौर्य को सिरोंज से प्रत्याशी बनाया गया। गोविंदपुरा सीट से सज्जन सिंह परमार को टिकट दिया गया है। चुरहट से अनिंद्र गोविंद मिश्र को टिकट दिया गया है। तो वहीं सेवड़ा से संजय दुबे चुनावी मैदान में होंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं भोपाल से, जहां आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है और इस पहली सूची में 10 लोगों के नाम है। आप प्रदेश उपाध्यक्ष आईएस मौर्य को सिरोंज से प्रत्याशी बनाया गया है। गोविंदपुरा सीट से सज्जन सिंह परमार को टिकट दिया गया है। चुरहट से अनिंद्र गोविंद मिश्र को टिकट मिला है। तो वहीं सेवड़ा से संजय दुबे चुनावी मैदान में होंगे। मंत्री विश्व शर्मा ने कहा कि सरकार में आने से कांग्रेस साइफा अवार्ड कराएगी। गोविंदा जी की आने वाले फिल्म एमपी में जरूर शूट होगी। भोपाल में नए तहसीलदारों का राजपत्रित द्वितीय श्रेणी अधिकारी घोषित किया गया। राज्य शासन ने आदेश जारी किया। मध्यप्रदेश राजस्व विभाग ने आदेश जारी किया। बुरहानपुर जिले के बोरसल में दही हांडी कार्यक्रम देखने गए 3 बच्चे दीवार में दबने से घायल हो गए। दही हांडी की रस्सी मकान की छत पर बंधी हुई थी। वजन अधिक होने से दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। सागर के रहने में सेवानिवृत्त हुए अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव भावुक हो गए। भोपाल में फिल्म अभिनेता गोविंदा ने पीसी की वन नेशन वन इलेक्शन पर गोविंदा ने कहा, हर पक्ष की अलग सोच होती है। शाजापुर में हो रही बारिश से किसान खुश नजर आए। जिले में लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी। नरसिंहपुर में पुलिस ने चोरी करने वाली महिला गैंग का पर्दाफाश किया है। जीआरपी पुलिस ने 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मुंबई की झुग्गी बस्ती में आग लग गई। आग लगने के बाद यहां अफरा तफरी मच गई। नरसिंहपुर के साली चौका में ट्रेन में सफर कर रही महिला गुटखा थूकने गेट पर आई। दूसरी ट्रैक से गुजर रही मालगाड़ी की तेज हवा के कारण वह पटरी पर गिर गई। देवास के मेढकी रोड से कछुए की तस्करी करते एक युवक को पकड़ा गया। युवक के झोले में कछुए को लेकर बेचने निकला था। इंदौर में पानी के तेज बहाव में एक युवक बह गया। पुलिया पार करते समय यह हादसा हुआ। इंदौर में बदमाशों ने गाड़ी में आग लगा दी। गाड़ी घर के बाहर खड़ी हुई थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जबलपुर में पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पत्थर पटक कर युवक की हत्या की थी। सागर में ट्रेन से महिला का पैर फिसल गया। ट्रेन में चढ़ते समय महिला का पैर फिसला। अमरिया में थाने के बाहर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने शव रखकर हंगामा किया। 40 दिन पहले युवक के साथ मारपीट हुई थी।